साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपने एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, गल्फ में कतर से रिलेटेड। जी हां साथियों, कतर में कितनी तनख्वाह, ड्राइवर से जॉब से रिलेटेड बात करेंगे कि ड्राइवर में कितनी तनख्वाह मिलती है, क्या कंडीशन बाउंडेशन होती है, कितना पैसा वगैरह लगता है, कंपनी के जॉब की बात करेंगे। आज़ाद वीज़ा ड्राइवर अलग होता है, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो साथियों चलते हैं, अपन शुरू करते हैं शॉर्टली तरीके से। तो साथियों हेडिंग मैंने रखा है कतर ड्राइवर जॉब। जी हाँ साथियों, कतर में ड्राइवर जॉब अगर आप जाते हो तो आपको कौन सी कंडीशन एंड कौन सा फॉलो आपको करना होता है, कौन सी कंडीशन के हिसाब से आपको जॉब मिल सकता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में बात करते हैं साथियों कंपनी का जॉब। जी हाँ साथियों, कंपनी के जॉब से रिलेटेड मैं बात करूंगा। इसमें आपको सबसे पहले जहां कहीं पर भी आपके किसी भी एजेंट या एजेंसी के पास इंटरव्यू आता है तो आपको वहां पे इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। लेकिन कतर का वीजा ड्राइवर में सिलेक्शन इजीली हो जाता है, क्योंकि इसका रीजन यह है कि कतर अदर कंट्री का वैलिड लाइसेंस मांगता है। जी हाँ साथियों, कतर एक ऐसी कंट्री है कि आपको बाहर का कोई किसी कंपनी का या किसी भी कंट्री का आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो आपको सीवी में आपका वीज़ा ड्राइवर का मिल जाता है आपको। और ख़ास तौर से बता दूं साथियों, दुबई ये जो कतर है ये सऊदी का लाइसेंस वैलिड नहीं मांगता। अगर किसी के पास सऊदी का लाइसेंस है और कतर जाने की सोच रहा है तो बिल्कुल नहीं मानता। 3-4 साल से पहले वैलिड था, पहले आप जा सकते थे, लेकिन वो बीच में थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गई थी ना उसके आपस में, तो इस चक्कर में फिर कतर ने मना कर दिया कि सऊदी का लाइसेंस वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, दुबई, ओमान, मस्कत, कुवैत, कोई भी लाइसेंस से आप कतर में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का साथियों इसमें एग्रीमेंट होगा, ठीक है। 2 साल का आपका इसका वीजा रहेगा, 2 साल तक कंपनी में रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा। ठीक है साथियों, लाइसेंस कौन सा, तीसरा नंबर पॉइंट मैंने ये लिखा है कि लाइसेंस कौन सा होता है। बहुत सारे लोग सर कमेंट करते हैं, सर अब इंडियन लाइसेंस, भैया इंडियन लाइसेंस कतर में वैलिड नहीं है, सऊदी का लाइसेंस वैलिड नहीं है। इसके अलावा कोई भी कंट्री का आपके पास लाइसेंस है तो उस लाइसेंस से आप आवेदन कर सकते हैं, आपका वीज़ा निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें ड्यूटी की बात कर ले साथियों, ड्यूटी आपकी 8 घंटे रहेगी। वैसे ड्राइवर की कोई ड्यूटी नहीं होती है कंपनी में, जैसे कंस्ट्रक्शन में कंपनी में आप ड्राइवर हैं तो उसकी ड्यूटी होती है 8 घंटे प्लस आप जैसे 2 घंटे ओवर टाइम कर लिया, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। या मान लीजिए आप कोई कंपनी में ट्रोला ड्राइवर है, ठीक है, तो उसमें 8 घंटे में तो भैया कितना चला पाओगे आप, ऐसा उसमें नहीं होता। 8 घंटे ड्यूटी की आपको जैसे 1500 QR अपने कतरी रियाल जो मिल रही है वो मिलेगी। उसके बाद में आपका ट्रिप होता है, ट्रिप में ये हो जाता है कि 100 किलोमीटर का आपका 5 रियाल या 10 रियाल जो उनका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। कहने का मतलब है ड्यूटी 8 घंटे, ओवर टाइम या प्लस ट्रिप। ठीक है साथियों, जुम्मे की छुट्टी रहती है इसमें, जुम्मे की आप छुट्टी कर सकते हो। जुम्मे के दिन अगर आप काम करते हो, ड्राइवरी करते हो, तो उसका एक्स्ट्रा से आपको अलग से मिल पाएगा। ठीक है, सैलरी की बात कर ले तो साथियों सैलरी अब शॉर्टली में मैं मोटा मोटी सैलरी बताऊंगा, एग्जिट नहीं होता। अब इसमें भी लोग कमेंट करने लग जाएंगे, भैया कमेंट ना करें। लाइट ड्राइवर की बात करें, छोटी ड्राइवर की बात करें, उसमें 1400 प्लस 200 से लेके 1600 प्लस 200 यानी मोटा मोटी 1400-1800 तक कतरी रियाल आपको मिल सकती है इसमें, यह सैलरी इसमें रहेगी छोटा लाइसेंस से। ठीक है साथियों, हेवी की बात करें तो हेवी में साथियों लगभग 1600 से स्टार्ट हो जाती है, 1600 प्लस 200 1800 से लेके 2200-2300 तक भी इसमें 2400 तक भी सैलरी मिलती है। कतर की साथियों खास बात यह है कि जो गल्फ की कंट्री है उसमें सेम पगार नहीं होती, डिफरेंस होता है। एक कंपनी 2500 दे रही है, दूसरा 2000 दे रही है, 500 रियाल तक का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि इसमें 1400 से 1800 उसमें हो सकता है, कोई पुराना ड्राइवर 1900 भी ले रहा हो, 2000 भी ले रहा हो, वो कोई इश्यू नहीं होता। इसमें 1600 प्लस 200 से लेके 2000 प्लस 200 यानी 1600 से लेके 2200 तक यहाँ पे सैलरी आपको कतरी रियाल आपको मिल सकता है। ठीक है साथियों, ये सैलरी है तो इसमें साथियों कम से कम आपको सैलरी इसमें देख लीजिए लगभग 35-30-35 हज़ार रुपये इसमें आराम से आप ऊपर लाइट ड्राइवर में कमा सकते हो। हेवी में 30 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक लोग कमाते हैं। ये सैलरी वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, 1800 का ही बन जाता है 30 हज़ार, तो ठीक है, तो ओवर टाइम हो जाता है, फिर ट्रिप हो जाता है, तो सैलरी लोग ड्राइवर तो 50 हज़ार भी कमा लेते हैं भैया, इंडिया में लोग ड्राइवर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो वो इतना इश्यू नहीं है, मैंने एक आंकड़ा दिया लगभग आपको। ठीक है साथियों, अब इसमें आपको कंपनी की तरफ से फैसिलिटी क्या मिलेगी ये मैं बता दूं। इसमें आपको रहना कंपनी की तरफ से होगा, ठीक है, खाना कंपनी की तरफ से होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से होगा, यानी जहां रहोगे तो खाने का या तो कंपनी आपको पैसा देगी या रहना देगी, ठीक है, ये दोनों होंगे। आना जाना किधर से भी कंपनी ने मान लो आपको 1000 किलोमीटर भेजा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको देगी, प्लस आपका मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी कंपनी की तरफ से इसमें वर्क परमिट वीज़ा में ये सुविधाएं आपको मिलती है। कल को कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाती है तो इसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है साथियों, ये मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया, फिर भी इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों इसका खर्चा कितना लगता है।
कतर अगर आप ड्राइवरी के जॉब में जाते हैं तो खर्चा सेम ही है, कोई ज़्यादा नहीं लगता। एजेंट के सहित मैंने आपको बताया, ये लगभग 70-75 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार एजेंट ज़्यादा ले लेते हैं कम, लगभग 70 हज़ार के करीब इस कंपनी में, इस वीज़ा में आप कतर में ज्वाइन कर सकते हो, ये सैलरी आप ले सकते हो 2 साल तक, फिर आपका वीज़ा कंपनी रिन्यू करती रहेगी। तो साथियों मैंने कोशिश करके आपको वीडियो में समझा दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, हर रोज़ ऐसे टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं जिससे आपको भविष्य में आप जब भी कतर से रिलेटेड कोई वीडियो देखो तो ये काम आ सके, आपके साथ धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।